कालसर्प दोष। कालसर्प दोष का मूल क्या है, वो दोष क्या होता है? उसका दोष का मतलब है कि जीवन में किसी भी एक चीज की कमी हो जाना। बहुत सारी कुंडलियां भी ऐसी देखी हैं, आपने भी सुना होगा, बड़े बड़े फेमस स्टार्स हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, जिनके साथ इस चीज की का दोष रहा, उनको जीवन में उस चीज की हानि उठाना पड़ा। अपन ग्रहों की बात ना भी करते हुए सीधे सीधे चलते हैं कि कालसर्प दोष की जो पूजा है वो देश में विभिन्न स्थानों पर महादेव के आह्वान से होती है। वैष्णव धर्म के अनुसार भगवान महादेव का आह्वान से होती है, जैन धर्म के अनुसार श्री घंटा महावीर और श्री पार्श्वनाथ जी, माता पद्मावती, श्री दंडेश्वर जी, इन सभी के आह्वान से होती है। श्री घंटा महावीर साधना केंद्र जो हमारा संस्थान है भोपाल में, हम यहाँ पर इस तरीके की पूजा करवाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके जीवन में या आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष आया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले और बता दूँ कि यदि कुंडली नहीं भी है तो हम डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी से उस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि कालसर्प दोष है या नहीं। अब यदि ईश्वर ने आपकी कुंडली में एक दोष दिया तो वो दोष मैं मानता हूँ कि चंद मिनटों की पूजा से या चंद समय, थोड़े से समय की पूजा से तो दूर नहीं हो सकता। या तो उन पूजाओं की निरंतरता बनाए, उसको रेगुलर में एक अंतराल के बाद करें, या फिर हम अपने यहाँ पर कैसे करवाते हैं, हम यहाँ पर भगवान का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करवाते हैं, फिर आपकी मंत्र हीलिंग करते हैं और उसके बाद में उसका हवन करते हैं। अब हवन में जो कालसर्प दोष किस कारण से हुआ है, किस ग्रह की वजह से हुआ है, वो चाहे चंद्र हो, चाहे वो गुरु हो या राहु हो या ज्यादा भी ग्रह, जो भी ग्रह हो सकते हैं, उन सारे ग्रहों को भी साथ में आह्वान करते हुए उनका भी अपन आहुति देते हैं और उनकी भी पूजा करवाते हैं। और इन सारी क्रिया के पश्चात आपको उसका यंत्र और चांदी का सर्प जोड़ा जो पूजा में प्रयोग किया जाता है वो भी आपको घर में स्थापित करने को देते हैं। और आप यकीन जानिएगा, इतनी सारी चीज़ कर लेने के बाद में आपको बार बार कालसर्प दोष की पूजाओं की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम ये जो व्यवस्था करते हैं इसके बाद में आपको कालसर्प दोष का निवारण तो होगा ही और इसको अनुभव आप अपने जीवन में करेंगे। देखिए, कालसर्प दोष का जब निवारण हो जाए तो आप उसको अपने जीवन में अनुभव कैसे करेंगे? मान लीजिए कि कालसर्प दोष की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी पूरी पूजाएं साधनाओं के बाद में, हवन के बाद में आपका विवाह बन जाता है, या आर्थिक रूप से कोई स्थिति होती है तो आर्थिक स्थितियाँ अच्छी होती हैं। कहने का मतलब है कि जब कालसर्प दोष की पूजा को आपने विधि प्रकार से अच्छे से करवा लिया कर लिया तो उसके बाद उसको आपका फायदा मिलना ही चाहिए। तो हम अपने संस्थान में जो श्री घंटाघर महावीर साधना केंद्र, जिस स्थान पर अभी हम बैठे हैं, श्री घंटाघर महावीर का मंदिर है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक अलग से स्थान बना है जहाँ पर हम इन सब चीज़ों को पूरा करवाते हैं। अब आप चाहें कहीं पर भी करें, देश में कहीं पर भी करें, लेकिन उसको प्रॉपर वे में करें तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आप उसकी पूजा भी करवाएं, हवन भी करवाएं, हवन भी करें, तो फिर देखिए आपको निश्चित रूप से आप अपने जीवन में इस दोषों को दूर कर कर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ईश्वर जब कोई दोष देता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक रास्ता भी देता है, जो उसके लिए और कोई माध्यम बनता है उस रास्ते को आपको निकालने, उस रास्ते पर आपको डालने के लिए और वहाँ से बाहर निकालने।